तो हम देखते हैं 10,000 के अंदर 5 प्लेसेस आते हैं, कौन कौन से? फर्स्ट को हम बोलते हैं वंस प्लेस, सेकंड को हम बोलते हैं टेंस प्लेस, थर्ड को हम बोलते हैं हंड्रेड्स प्लेस, फोर्थ को हम बोलते हैं थाउजेंड्स प्लेस, और फिफ्थ जो हमारा बच गया उसको हम बोलते हैं 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस। क्लियर है? उसके बाद जो हम करते हैं नंबर्स मोर देन 10,000 कि 10,000 से यानी कि 10,000 से आगे जो नंबर है वो हम कैसे लिखते हैं, उनको कैसे ऐड करते हैं, ठीक है? तो एक तरफ लिखेंगे हम नंबर और दूसरी तरफ लिखेंगे नंबर नेम, मतलब एक तरफ हम उनको अंकों में लिखेंगे और दूसरी तरफ हम उनको शब्दों में इनके इनवर्स शब्दों में लिखेंगे। क्लियर है? जैसे हम एक एग्जांपल कर लेते हैं, यहां पर हमने लिखा पहले 10,000 प्लस 1 कितना होता है 10,001, हम इनको ऐड कर सकते हैं 10,000 और प्लस कितना करना है 1, कितना आंसर आएगा हमारे पास 10,001, और इधर हम उसको इंग्लिश में लिख देंगे इनवर्स 10,001। क्लियर है? उसके बाद 10,000 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10,002, हम इसको लिख देंगे 10,002। क्लियर है? काउंटिंग हमें आती है, इसी प्रकार हम इसमें लिखते चलेंगे 10,003, इधर लिख देंगे 10,003, फिर 10,000 प्लस 4 10,004, 10,005 इधर लिख देंगे 10,005, इसी प्रकार हम चलते चलेंगे इसी क्रम में, और लास्ट में हम लिखेंगे एक बार 10,099, जैसे हमारी काउंटिंग चलेगी 99 तक, उसके बाद जब हम इसमें एक ऐड करेंगे 10,099 प्लस 1 क्या आएगा हमारे पास, करके देखें इसको 10,099, इसमें हम एक ऐड करेंगे, करो आप भी ऐड, कितना आएगा 10,100, ठीक है? तो हम इसको यहां लिख देंगे 10,100, और इनवर्स यहां लिखेंगे 10,100। क्लियर? उसके बाद 10,101, 10,102, 10,103, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही करते करते हम आएंगे 10,900
ठीक है, तो इधर लिख देंगे हम 10,900। फिर उसके बाद 10,000 आगे जैसे हमारी काउंटिंग चलती रहेगी, क्या आएगा उसके अंदर 10,999। ऐसे ही जब हम क्रम अनुसार चलेंगे, स्टेप वाइज चलेंगे, तो हमारे पास काउंटिंग आ जाएगी 10,999। अब हम इसमें एक ऐड करेंगे जब, तब क्या आंसर आएगा हमारे पास, ऐड करें आप भी मेरे साथ। यही है, यस, वेरी गुड। हमारा जो आंसर आएगा क्या आएगा, 11,000। कितना आएगा, 11,000, 11,000, ठीक है। 11,000 के अंदर हम जब एक ऐड करेंगे तब कितना आएगा, 11,001, 11,002। इसी प्रकार हम इस क्रम को बढ़ाते चलेंगे, ठीक है।